रामलीला कितने दिन चलेगी और इसमें क्या क्या प्रोग्राम होंगे? देखिए, रामलीला समारोह 2019 जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रारंभ होगा। ये दिल्ली के एक बहुत नामी रामलीलाओं में से है और इस बार इसको हम बहुत विराट स्वरूप में कर रहे हैं। इस रामलीला में जाने माने कलाकार भाग लेंगे, देश के सुप्रसिद्ध समाज से भी, देश के राजनीतिक जो बड़े बड़े उन सबको हमने निमंत्रित किया है। दिल्ली के बड़े अधिकारी भी इस रामलीला में आएंगे और ये रामलीला विशुद्ध रूप से रामलीला होगी। इसमें किसी भी प्रकार का भौंडापन रामलीला में नहीं होगा। हमने कल्पना की है कि रामलीला से लेकर रामराज्य तक ये कल्पना है, जिसमें भगवान राम ने हमको जो संदेश दिया है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने हमको कहा है रामचरित मानस के माध्यम से कि किस तरीके का हमारा समाज होना चाहिए, तो हमने ऐसी 7-8 समाज में होने वाली चीज़ों को भी रामलीला में अदा किया। हम इस बार देहदान अंगदान और नेत्रदान, इसको हमने रामलीला में लिया है और इसके माध्यम से लोगों को हम प्रेरित करेंगे कि लोग जिन लोगों के आँखें नहीं हैं, जिन लोगों को अंग की आवश्यकता है, मेडिकल स्टूडेंट को बॉडी की ज़रूरत है, वो हम यहाँ पर अभियान चलाने वाले हैं। ऐसे ही हमने देश के सैनिकों के नाम एक ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया है। 7 तारीख को सुबह 11 से लेकर 2 बजे तक ब्लड डोनेशन कैंप होगा, जिसमें हमारे लोग ब्लड देंगे और देश की सशस्त्र सेनाओं को जाएंगे। ऐसे ही हमने अंतिम संस्कार सेवा, जिसमें जो गरीब लोग हैं, जो निर्धन हैं, जो असहाय हैं, उनको संस्कार नहीं कर पाते हैं, तो उनको भी आर्थिक सहायता दे करके इस संस्कार को पूरा कराने का कार्रवाई करेंगे। साथ ही जो सुरक्षा व्यवस्था है, CCTV से लेकर के दिल्ली पुलिस के तमाम कर्मचारी, हमारे सिक्योरिटी गार्ड पूरी तरह से सुरक्षा को करेंगे। रामलीला स्वच्छ हो, रामलीला स्वस्थ हो और प्लास्टिक मुक्त हो, इसके लिए भी जन जागरण अभियान यहाँ पर चलेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के गरीब बच्चों की शादी का भी एक उद्देश्य इस रामलीला में हमने लिया है, जिसको हम पूरा करेंगे। जल हमारे जीवन का आधार है और जल संरक्षण दिल्ली की बहुत बड़ी ज़रूरत है। दिल्ली में 600 तालाब और बावड़ियाँ हैं जो सूख गई हैं। हमने कोशिश की है कि इसका जन जागरण भी करेंगे और साथ में रामलीला समिति इसको अडॉप्ट करके कुछ जगह इस जल को दोबारा से जल भंडारण हो, जल स्वच्छ हो जाए और जल बचे, जिससे कि लोगों के जीवन में उसको प्रयोग किया जा सके। तो इस प्रकार के तमाम उद्देश्य, कपड़ा बैंक भी इसमें हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें लोग अपना यूज़ करने वाला कपड़ा हमको किस तरीके से दें और उनको हम ज़रूरतमंद लोगों को जा करके दे दें। इस प्रकार से रामलीला बहुत ही शानदार तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म भी इस बार हम प्रयोग कर रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लोगों को लाखों लोगों तक रामलीला पहुँचेगी। लाइव टेलीकास्ट भी रामलीला का होगा और इस प्रकार से रामलीला 29 तारीख से लेकर के और 9 तारीख तक चलेगी। एक बड़ा कवि सम्मेलन भी इसमें राष्ट्र भक्ति को लेकर होगा, जो एक बड़ा मुख्य आकर्षण है।